हेलो फ्रेंड्स, आज के टेक्निकल अपडेट में हम बात करेंगे दो ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जिसे रिसेंटली गूगल ने डेवलप किया है। ये डेवलप किया है उन लोगों के लिए जो बेसिकली जिनको सुनाई नहीं देता, यानी डेफ पीपल्स, और सेकंडली उनके लिए जिनको कम सुनाई देता है। अब दोस्तों अगर बात करें हम इन दो एप्लीकेशन की, तो फर्स्ट का नाम है लाइव ट्रांसक्राइब और सेकंड का नाम है साउंड एम्पलीफायर। अब दोस्तों अगर बात करें इन दोनों का काम करने का प्रोसेस, यानी तरीका कैसा है इन काम करने का, तो अगर मैं बात करूँ लाइव ट्रांसक्राइब की, अगर सपोज करिए आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं और आपको सुनना भी आता है, अगर आप सुन भी सकते हैं और आप बोल भी सकते हैं, लेकिन मैं सुन नहीं सकता हूँ, सिर्फ बोल सकता हूँ। तो जब मैं इसको एप्लीकेशन को अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर ऑन करूँगा और जब आप मुझसे बात करेंगे, तो ये फ़ोन जो है उस एप्लीकेशन जो पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन है ये उस आवाज़ को सुनेगा और उसको मुझे टेक्स्ट मोड में ट्रांसफर कर देगा, यानी ट्रांसलेट कर देगा। तो ये रियल टाइम बेसिकली ट्रांसलेशन होगी। तो इससे क्या होगा, जो भी कम्युनिकेट आप मुझे करेंगे, जो भी बोलेंगे, वो मेरे को टेक्स्ट फॉर्मेट में मेरे डिस्प्ले में आ जाएगा और मैं आपकी बातों को समझूंगा और फिर आपको रिस्पॉन्स करूंगा। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो नोटिफिकेशन होगा वो वाइब्रेटिंग नोटिफिकेशन है, यानी कि जब भी आप कुछ बोलेंगे और जब ये डिस्प्ले करेगा तो वाइब्रेट करके मुझे नोटिफाई करेगा कि हाँ ये डिस्प्ले में आ चुका है और मैं इसे पढ़ के आपको नोटिफाई, यानी कि आपको रिप्लाई कर सकता। और दोस्तों इस एप्लीकेशन को जो टेस्ट किया गया है फ्लोरिडा के गैलर्ट यूनिवर्सिटी में टेस्ट किया गया है। बेसिकली यूनिवर्सिटी के अंदर जो ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको सुनाई नहीं देता, या फिर काफी स्टूडेंट हैं जिनको सुनाई कम देता है, और उनको ये बोला गया कि इस एप्लीकेशन को आप अपने पर्सनल लाइफ में इंप्लीमेंट करें। जब उन लोगों ने इसे अपने पर्सनल लाइफ में इंप्लीमेंट करा, अपने फैमिली के साथ शेयर किया, तो जो उनका टू वे कन्वर्सेशन था उनके फैमिली के साथ, उनके फ्रेंड्स और डियर के साथ, वो इतना अच्छा रहा कि उनको कहीं भी बीच में इंटरप्रेट की जरूरत नहीं पड़ी। वो फाइनली के ऑल कहीं भी जाते थे बिंदास होकर, और कहीं भी जब वो एप्लीकेशन के थ्रू इस एप्लीकेशन के थ्रू किसी को बात करते थे तो उनको कोई भी हैंड साइन या कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती थी। सिंपली क्या बोलते हैं, वो लोग बोलते थे और ये ट्रांसक्राइब बेसिकली उस वॉइस को कन्वर्ट करके टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको कम्युनिकेट कर पा रहे थे। और दोस्तों ये जो एप्लीकेशन सपोर्ट करेगा ये एंड्रॉयड 5 लॉलीपॉप के वर्जन में, ये क्या बोलते हैं, या फिर उसके अपर वर्जन में यूज़ कर पाएंगे। सेकंड थिंग, अभी इसका रोल आउट का जो प्रोसेस है, फिलहाल अभी जो गूगल कह रही है कि ये गूगल पिक्सल 3 और गूगल पिक्सल 3 एक्सेल के फोन में आने वाले फ्यूचर में अपडेट करके इसे यूटिलाइज कर सकेंगे आने वाले टाइम में। मे बी हो सकता है ये कमिंग मंथ में, या हो सकता है कि आने वाले 2 या 3 मंथ में अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी फर्स्ट अपडेट। अब दोस्तों बात करें हम अगर सेकंड एप्लीकेशन की, जिसका नाम है साउंड एम्पलीफायर। वो बेसिकली अगर मैं बात करूँ लेमन लैंग्वेज में, तो वो एक तरह का हियरिंग एड है, यानी कि वो उस तरह से डिवाइस है कि जो लोग को कम सुनाई देता है और वो हियरिंग मशीन लेते हैं उसको अब जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पर्टिकुलर इस एप्लीकेशन को अपने एंड्रॉयड फोन में डालेंगे और उसके बाद इसे एप्लीकेशन को ऑन करेंगे और अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, यानी कि जैसे कि क्या बोलते हैं कोई बोलेगा तो ये एप्लीकेशन उस साउंड को बूस्ट करके आपको एक्यूरेट साउंड देगा। और लेकिन इसकी जो रिक्वायरमेंट है इस एप्लीकेशन को यूज़ करने की, वो ये है कि ये एंड्रॉयड पाई के वर्जन में ही यूज़ होगा। और सेकेंड थिंग, इसके अंदर आपको हेडफोन रिक्वायरमेंट होगा, वायर्ड या वायरलेस हेडफोन आप यूज़ कर सकते हैं ताकि जब भी कोई बोलेगा तो ये अपने आप ही आपके साउंड को बूस्ट करके आप तक पहुँचाएगा। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर अगर मैं बात करूँ इसके अंदर एडजस्टमेंट की, तो इसके अंदर एम्पलीफायर एडजस्टमेंट है, यानी कि आप अकॉर्डिंग टू द क्या साउंड लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं और आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। होप ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद आई तो प्लीज़ डिसलाइक करें, कमेंट डालें ताकि आने वाले टाइम पर मैं अपनी वीडियोज़ को और इंप्रूव कर पाऊँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल बटन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।